है गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोगों को गुरुकुल स्टडी, जो कि टेलीग्राम का ग्रुप नेम है, ठीक है, तो गुरुकुल स्टडी, तो मैं उसी से रिलेटेड आज आपका क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव बेस पे सेकेंड में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैराथन क्लास है आपकी, आई थिंक 3 या 4 आवर हो सकेंगे होंगे, ठीक है। पहला कंप्यूटर का था, आप दूसरे में आप लोग आए हैं दूसरे वीडियो में। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के अलग एग्जाम ऑफ CHSL, CGL, MTS, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आपको टोटल 200 क्वेश्चन है। मैं एक्सप्लेन के साथ अच्छे से बता के आगे बढ़ते रहूँगा, ठीक है, विद आंसर। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी तो पे लाइक जरूर करना, ठीक है, कमेंट भी एंड सब्सक्राइब करना, एंड फ्रेंड के बीच शेयर कर दें। तो चलिए गाइज, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है, अमेरिका में पूछ रहा है। अमेरिका में कहाँ पे, अटलांटा राज्य में या कैलिफोर्निया में, तो कैलिफोर्निया में, ठीक है। अमेरिका में कैलिफोर्निया जो है ना एक स्टेट है, अलग जैसे गाइज आपको इंडिया में है ना दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उसी प्रकार। यहाँ पे कुछ अच्छे से थॉट्स हैं, ए चाइल्ड कैन टीच अस 3 थिंग्स, यानी एक बच्चा से आप 3 चीज़ सीख सकते हैं कि ऑलवेज बी क्यूरियस, बी हैप्पी फॉर नो रीज़न, फाइट टायर्सली फॉर व्हाट वी वांट। यानी कि पहला ये था कि हम लोग के अंदर हमेशा क्यूरियस होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के प्रति कुछ पूछना चाहिए, कैसे हुआ क्यों हुआ, बच्चा पूछता है ना, उस प्रकार हम लोग को अंदर होना चाहिए। बी हैप्पी फॉर नो रीज़न, पूरा खुश होना चाहिए बिना कारण का, ठीक है। फाइट टायर्सली और फॉर व्हाट वी वांट, मान चलो कि हमको कुछ चाहिए तो उसके लिए बच्चा जिद करता है, हमें चाहिए चाहिए, तो हम लोग भाई कुछ अपना सक्सेस चाहिए तो उसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी फैक्ट थी, एक मोटिवेशन रूप में जॉब किया मैंने शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भूमध्य रेखा निम्न से किस देशों का निगुजरती है, इंडोनेशिया या मैक्सिको, तो मैक्सिको। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ गाइज, हमारे इंडिया में, पश्चिम बंगाल में। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, यानी कि फ्रंटल वर्षा है, पर्वतों से वाष्पीय जल का संग्रहण या चक्रवाती गति से, तो चक्रवाती गतिविधि से। पृथ्वी के समय पाए जाने वाले वायुमंडलीय परत क्या कहते हैं, यानी पृथ्वी की जो नजदीक में पाया जाता है ना वायुमंडल परत, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट गाइज, पृथ्वी के धरातल के केंद्र कितने प्रतिशत भाग को महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, 30.35.6 या 29.2, तो 29.2%, यानी कि महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है, ओके। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर या 146.7 मिलियन किलोमीटर, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, ओके। एंड गाइज, मुझे लगता है ना कि मैं ऑप्शन को नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, ठीक है, ऐसे बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, तो चलिए डायरेक्ट हम आंसर बोलते हैं, और मुझे भी थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ रहा है, काफ़ी लंबा वीडियो भी है लॉन्ग। सापेक्षित आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग कहता है, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर, तो हाइग्रोमीटर। और बैरोमीटर का पता होगा वायुमंडलीय दाब का मापने के लिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, लाल या बैंगनी, तो बैंगनी रंग का अधिक होता है, और कम बोलेगा तो लाल रंग का। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह परीक्षण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, यानी कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ को खोज करने वाला वह कौन सा देश है प्रथम, रूस या इटली, तो रूस। और रूस बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट आ जाते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, राकेश शर्मा, मेजर यूरीगन, तो मेजर यूरीगन। और राकेश शर्मा कौन थे, आपको भारत में प्रथम पहुंचने वाले थे, ठीक है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम विश्व का देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और चंद्रमा पर मानव कौन गया था, पहला जो गया था नील आर्मस्ट्रांग, याद रखिएगा। मोह असमता स्थित है क्रस्ट एवं तथा मेंटल के बीच दोनों में। वह काल्पनिक खा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन है, मेरियाना गर्त, जो कि आपको प्रशांत महासागर के पर पड़ती है। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र द्वारा। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ती में। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, श्वसन या वाष्प उत्सर्जन, तो श्वसन। श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है, 40 या 20, तो 20%। जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, रचना में समान, तो कार्य में समान।
द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ये बहुत बार पूछा है आपको CHSN में भी, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नाम पूछा किसने लिखा है, तो डार्विन ने, ठीक है, जो कि आपका फुल नेम होता है चार्ल्स डार्विन। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय जो कि आपको एक चीज से दोबारा चीज़ बना सकते हैं उसी को नवीकरणीय बोलते हैं। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है, ठीक है। पीएच मान का खोज किसने किया गया था, पीएच स्कूल का, तो सोरेनसन ने। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 1/2H2O। अगर CaSO4 × 2H2O बोलेगा ना गाइस, तो कैसा फॉर्मूला होता है, वो आपको होता है जिप्सम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन धातु होता है जो कि चमकीला होता है, बताइए। अधातु भी चमकीला में, तो आयोडीन होता है, ठीक है। अब ब्रोमीन ने ऑप्शन दिया गया, ब्रोमीन कब होगा, जब बोलेगा ना कौन सा अधातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है, ठीक है, तो ब्रोमीन, याद रखिएगा। और चमकी अधातु पर चमकीला होगा तो आयोडीन, आयोडीन का इंडिकेट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। बॉक्साइड किस धातु का आवश्यक है, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, तो एल्युमिनियम का होता है, बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सब एल्युमिनियम का होता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना या तांबा, तो सोना। तन्य मतलब क्या, जिसको हम लोग पीठ के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, तो सोना होता है। नेक्स्ट है गाइस, कार्बन क्या है, धातु या धातु, तो अधातु है। आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं, तो वर्ग के आवर्त, वर्ग कहते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो हीलियम होता है। जैसा है गाइस, शून्य समूह जो होता है ना, वर्ग आपको 18 में रखा जाता है, ठीक है, उसमें उसकी संख्या 5 है, देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, सॉरी 6 होते हैं। और शून्य समूह को बोलते हैं हम लोग नोबेल धातु भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ओके, याद रखने की जरूरत है आप लोगों को। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक या कुचालक, तो सिलिकॉन आपका अर्धचालक है। नवजात शिशु को जन्म के कितने समय बाद DPT का टीका लगाया जाता है, 6 साल या 6 सप्ताह। नवजात पता है शिशु जो जन्म ही जल जल लिया है, उसको 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है। श्वसन किस प्रकार किया है, उष्मा छेपी या उष्मा शोषी, तो उष्मा छेपी है। देखिए उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, और उष्मा छेपी में उष्मा का उत्सर्जन होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा या लाल, तो हरा होता है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, Fe2O3 या Fe3O4, तो Fe3O4 होता है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर, ओके। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, हीलियम नाइट्रोजन, तो आलू की चिप्स की थैली में आपको नाइट्रोजन होती है, जिसके कारण वह फूला होता है, ठीक है। सिल्कोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड इसे भी श्वेत होता है, चांदी, पता है आप लोग को। नेक्स्ट है, CeO+H2CO+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, तो अपचयन कहलाएगा। पादप में पनहरित का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा होता है, Mg, मैग्नीशियम। Fe मतलब गाइस आयरन होता है, जो कि इसका परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, सोडियम एल्युमिनियम, तो सोडियम। देखिए गाइस चाकू से काटे हुए ऐसे 3 धातु है, ठीक है, आपको सोडियम होता है, लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मैलाकाइट का एक ऐसे खनिज है, मतलब मैलाकाइट किसका है, मर्क्यूरी का, कॉपर का, तो कॉपर का। कॉपर का क्यूपराइट भी होता है और मैलाकाइट भी होता है, ठीक है। कॉपर को हम लोग CU से इंडिकेट करते हैं, ओके। मानव आँख की रेटिना कैसे प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोलिफॉर्म जीवाणु में कौन कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, यकृत, आंत, तो आंत, कोलिफॉर्म जीवाणु। वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। यदि किसी कमरे में हरा बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा, भूत बल्ब तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। लाल वस्त्र मतलब किस तरह का दिखाई देगा, काले नीला, तो हरा में लाल चीज को रखेंगे मतलब काला दिखाई देगा। आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं शादी फंक्शन में जाओगे ना, देखोगे ना, तो हर चीज़ अलग अलग कलर दिखाई देता है ना, चाहे आपका आप ब्लैक पेन हो तो आपका वो जो लगेगा। सब्जियों एवं फलों को छीलने के बाद अधिक धोने से क्या होता है, यानी कि सब्जी फल को दोगे तो क्या नष्ट होता है, तो विटामिन सी नष्ट होता है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण करना क्या कहलाता है, विसरण का कारण क्या है, तो धूलकण। वाष्प उत्सर्जन की दर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फोटोमीटर का। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, तो कपड़ा उद्योग। निम्न से किसे वर्गीकी का जनक कहते हैं,
तुलिनियस को वर्गीकरणजनक। इस सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसका है, यानी कि सिस्टेमा नेचुरे जो लेखक का नाम क्या है, लिनियस, ठीक है। कैप्सूल का आवरण बनाता क्या का, स्टार्च का। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष पहली बार जानना किसे कहते हैं, तो वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई ना दे परंतु नज़दीक की वस्तुएं दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि में उल्टा होता है, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई दे पर निकट के ना, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि के लिए हम आउटर लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए उत्तर लेंस का, याद रखिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया कि निकट दृष्टि दोष के लिए व्यक्ति को कौन सा लेंस लगवाना पड़ता है, तो आउटर लेंस। गाइस आपके 57 क्वेश्चन में क्या है, टोटल आपको 200 हैं, तो चलिए कंटिन्यू बने रहें, एकदम हारना नहीं है, बस मेहनत करते रहना है और इस बार किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर देना है। जब देखो आप लोग अंदर से ये चीज़ को करोगे ना कि मुझे करना है, अंदर से जिद्दी बनना पड़ेगा, तब मेहनत करना, नहीं मन लगेगा ना, जबरदस्ती मन लगाओ पढ़ो, फिर धीरे धीरे आपको मन भी लगेगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, मुरारी देसाई या अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी। हरियाणा कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, जाफरवादी या मुर्रा, तो मुर्रा। किस देश की स्थल सीमा सवादी देशों के साथ लगती है, चीन या अमेरिका, तो चीन। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है, यानी कि सूर्य ग्रहण में, तो 7 मिनट 40 सेकेंड, कितना गई, 7 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोआखली स्थित है बांग्लादेश में, नोआखली। द्वितीय गोलेज में सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। और वह कौन थे जो तीनों में भाग लिए थे, तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता तो उसे क्या करते हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित किधर नाम से, तो ऋण आवेशित कण से बीटा किरण। मलेशिया में दिवाली को किस नाम जाता है, तो मलेशिया में दिवाली को, देखिए दिवाली का हर अलग अलग देश में कुछ कुछ कहीं मनाते हैं जो कि अलग नाम से, तो हरी दिवाली याद रखिएगा। अब बता दें जब हम पटाखा फोड़ते हैं ना तो किसी भी चीज़ में हरा रंग दिखाई देता है ना, तो हरा क्यों, तो बेरियम कारण, ठीक है। अब लाल आपको अस्टाफेंसियम कारण। विश्राम के समय सामान्यतः वयस्क पुरुष औसतन दर कितना होता है, यानी कि जब आप रेस्ट मुद्रा में, तो 15 से 18 बार। तो क्या हुआ, मतलब बोला ना कि विश्राम में सांस कितना लेते हैं, 15 से 18 बार। विटामिन के अगर सही नाम क्या होता है, फिलोक्विनिन। देखिए यहाँ टे को फॉल दिया था, विटामिन का विटामिन ई का होता है। अच्छा लगा, मैं बताता हूँ विटामिन खोज किसने किया, फंक ने किया। विटामिन ए का खोज मैकलन ने, विटामिन बी का भी खोज मैकलन ने, विटामिन सी का खोज हॉलकेट ने, विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने, ठीक है। नहीं दिया बट अतिरिक्त मुझे जो नॉलेज है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोप्रोल, ठीक है, पता हो गया। एंड विटामिन का खोज फंक ने बता दिया। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रिटिनॉल। विटामिन बी का क्या होता है, थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सिफ्रॉल। विटामिन ई का टेकोप्रोल। विटामिन के का फिलोक्विनोन, याद रखिएगा, ठीक है। जड़त्व का माप क्या कहलाता है, द्रव्यमान। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। पास्कल किसका होता है गाइस, दाब का। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, बताइए, अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन। रेड क्रॉस के स्थापक कौन थे, हेनरी ड्यूमेंट। और रेड क्रॉस की स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 8 मई, याद रखिएगा। और संस्थापक कौन थे, हेनरी ड्यूमेंट। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है गाइस, तो 4 वर्ष में, ठीक है, 5 नहीं 4 वर्ष, याद रखिएगा, ओलंपिक खेल। खानवा और घाघरा का युद्ध कौन से मुगल शासन द्वारा था, तो बाबर लड़ता, ठीक है, खानवा और घाघरा का। पाली भाषा में निगंठा नटपुत किनको कहता है, तो महावीर को, ओके। सौर मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है, तमिलनाडु, तो सौर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। राजस्थान में कौन सा है गाइज, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जैसे किस नदी में निर्मित है, तो चंबल नदी। प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ, 1915 में। और गाइज मैं बता दूं कि 1870 में आपको जो रूस था, ठीक है, रूस युद्ध किया था। और आपको बता दूं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, और दूसरा का जो युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, ठीक है। ये सब इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है थे, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर,
इनका नाम अलग है ठीक है ना, भीम अम्बेडकर नहीं है, कौन है, भीमराव रामजी अम्बेडकर, पाला विद्या नियामती। आई थिंक मुझे लगता है ना गाइज भीमराव अम्बेडकर ही होना चाहिए, ठीक है, मैं भी मिस्टेक किया हूँ बात के, पाला विद्या न्याय मंत्री तो वही थे, नहीं राइट है राइट है, न्याय मंत्री नहीं कानून मंत्री बोलता ना, तो न्याय का मंत्री भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। ऐसा कौन सा जानवर जिसके पेट में दांत होता है, कभी सुने हैं पेट में दांत, केकड़ा, अलग है ना। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहता है, शाहजहां को। भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, पटसन कहाँ होता था, पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, ये भी मुझे आपको कमेंट में बताएंगे। कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, भारत में गोल्डन फाइबर को मत बताइए, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर हल्का सा रॉन्ग कर दिया, भारत में गोल्डन फाइबर कौन सा है, ये दोनों मिक्सअप हो गए। तो कौन सा जो कि रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो आपको बरगद है जो कि 24 घंटा छोड़ता है। किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था, दिल्ली में। करगम किस प्रदेश का नृत्य है, करगम कहाँ है कि तमिलनाडु का, ठीक है ओके, तमिलनाडु का भरतनाट्यम भी होता है ओके, और करगम तमिलनाडु का। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल कब से लेकर कब तक था, 606 से 647 तक। और गाइज हर्षवर्धन के इस समय कौन आया था, चीनी यात्री फैयान आया था, याद रखिएगा। महाबलीपुरम को पैगोडा किनके द्वारा बनाए गए थे, तो पल्लव वंश के द्वारा। बिजली के बल में कौन सा गैस, तो आर्गन होता है। तहसीला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या है, गांधार किला। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट। नील नदी का स्रोत क्या था, लेक नासेर या लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया। राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमा है कौन कौन है, बताइए मणिपुर से, तो मणिपुर से आपको नागालैंड असम मिजोरम, नागालैंड असम मिजोरम मणिपुर सब मतलब सब सेटल। जैसे कि बिहार से कौन है, बिहार में आपको है उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, सब सटा हुआ है ठीक है। तो मणिपुर से कौन सा, नागालैंड असम, याद रखिएगा, मिजोरम, मेघालय नहीं है ठीक है। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दोस्ता है, तो उत्परिवर्तन का। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहते हैं, इस्कीमिया ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए, 30%। गैम्बिट शब्द किसने संबंधित है, शतरंज से। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोल में समय में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो की संख्या कितनी होता है, 20 अमीनो अम्ल की संख्या ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, बताइए कौन है, अनिल बैजल ठीक है। खुरपा ताल झील भारत के किस राज्य में, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी ताल लगा हो लास्ट में, देताल खुरपा ताल या वो को भी बता हो, तो उस सब झील कहाँ होता है, उत्तराखंड में ठीक है। और जम्मू कश्मीर में आपको कौन सा झील लगाई, शेषनाग झील, जितना भी नाग वाला है शेषनाग ठीक है, सुपर आपको बुलर झील सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। गंधार की राजधानी कहाँ दिखाई, तो तहसीला, तहसीला कहाँ है अभी, पाकिस्तान में ठीक है। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है, स्वच्छता से, हाइजीन विज्ञान ठीक है। देखिए भारत मूवर्स लिमिटेड किस राज्य में है, कर्नाटक में। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा प्रथम रेल मंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपको भारत के प्रधानमंत्री बने थे ठीक है। आई थिंक ये तीसरे प्रधानमंत्री थे, पहले पे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे उनकी बेटी थी, और तीसरे पे लाल बहादुर शास्त्री। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में, गोरखपुर, लेकिन अब चेंज हो गया है, पहल सॉरी भारत का पूछा तब सही है, गोरखपुर। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने कहा, आगरा नगर भारत की राजधानी कहा था, सिकंदर लोदी ठीक है। 1670 में शिवाजी ने अपना विख्यात विधिवत सिंहासन रोहन की पश्चात कौन सी उपाधि धारण की, छत्रपति। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, इटली, इटली याद है, इटली इटली नहीं इटली। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद ठीक है। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था, तो वीर सावरकर। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, अंडमान सेलुलर पर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। अंकलेश्वर गुजरात प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग टाइसन किस देश में, सोवियत संघ में। एंड कंपनी लिमिटेड किस राज्य में है, तो आपको कोलकाता में। विल एंड एक्सल प्लांट किस राज्य में है, कर्नाटक में।
रेलवे का पितामह किसे बताता है? जॉर्ज स्टीफेंसन। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में। शिशुनांग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समय में वैशाली द्वितीय बहु संगीति का आयोजन किया? उसे काकवन के नाम से भी जानता है, तो कालाशोक। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी। हाइड स्पेस या वितस्ता का आधुनिक झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? हाइड तो सिकंदर पुरुष के बीच में। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? मगध के राजा अजातशत्रु का तो वैंजी यानी कि वैशाली में। यानी आप लोग देखना चाहते 126 नंबर क्वेश्चन पहुँच गए हैं, ठीक है 200 करीब पहुँचने वाले। अरे यार इसमें इतने लोग क्विज देते हैं, है ना, यहाँ पे अनस, पंकज कुमार, शुभम, गुलजार, रितु, चिरेश, फर्स्ट एंकर, आप लोग भी क्विज दे सकते हो इसी प्रकार यदि आप लोग भी ऐड होना चाहते हैं, ठीक है। गुरुकुल स्टडी ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि मैं वीडियो डालता हूँ, तो बहुत सारे ग्रुप हैं, आपका उड़ान है, आपको SST है, एग्जाम क्रैकर है, फाइट, तो ये सब बहुत सारे ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप लोग जाइए ऐड हुई और इस पर टेस्ट आप लोग भी इन सब के दर दीजिए और एग्जाम को नज़दीक क्लियर करिए। नेक्स्ट है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद से फारस साम्राज्य का विशाल प्रांत बनाया? तो डेरियस। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तत्शिलावंतिका, तो अमंतिका, उज्जैन का प्राचीन नाम, ठीक है। अरे उज्जैन किस नदी किनारे बसा था? छिप्रा नदी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों में अपने अधीन किया था? डेरियस साइरस, तो डेरियस था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का शासन चला था? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्या है? पठार भी है। वर्ष 1910 में सतारा में बहुवन समाज की स्थापना किसने की? मुकंद राज पाटिल, याद रखिए। मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम देता था? तो सरकार। जिला को सरकार के नाम से, ठीक है, अभी हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं ऐसे, तो उसमें जिला को कहता था मुगल शासन में। भारत के द्वारा बनाया गया UAE का नाम क्या है? निशांत। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे ज्यादा बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो वामसात पाक्षिणी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज के कमांडो को हराया? मेजर बरो, ठीक है। नागरिक समता का आशय क्या होता है? कानून के समक्ष समता। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, यानी कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल जो है स्टेट जो कि भारत का राष्ट्रपति वहाँ पर नियुक्त है, बाकी सभी का कौन करता है? वहाँ पर प्रधानमंत्री करते हैं या आपको ये करते हैं मुख्य न्यायाधीश। सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन कौन रहता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा मकबरा वित्तीय दिल्ली का ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उड दौरान का मकबरा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाल लाजपत राय। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? पाटलिपुत्र। देखिए चीनी क्रांति 1911 में, ठीक है, और 1911 में भी और कुछ हुआ था ना, भारत की राजधानी नई दिल्ली कर दिया गया था, ठीक है, कलकत्ता से हटा 1911 में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का वेतन भाग किस निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संचित निधि द्वारा। और यदि बोलेगा ना राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो गाइस क्या बताएंगे? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा है? अधिकार है तो कौन सा अधिकार है? विधायी। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगर लोकसभा का बोलेगा ना तो राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है गाइस? तो राष्ट्रपति का संबंध आपका किससे होता है? 52 से, ठीक है, और 56 से आपको उपराष्ट्रपति का। और आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा आपको होता है अनुच्छेद 81 और 80 और 81 में। देखिए लोकसभा बड़ा होता है ना, इसलिए 81 याद करते हैं, टेक रखें, और छोटा आएगा तो हमारा राज्यसभा का 80। और लोकसभा में राष्ट्रपति रहता है और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति रहते हैं। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा का बदलने या क्रम करने का अधिकार किसे दिया गया? यानी कि कोई भी कोई फांसी लेना चाहिए उसे रोकने का अधिकार है, वो आपको हमारे राष्ट्रपति को है, ठीक है। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, याद रखिएगा। 2023 उपराष्ट्रपति के उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को बोलेगा तो आपको मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं ना भारत का, वही। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। अस्थायी बोला तो राज्यसभा, अस्थायी बोलेगा तो लोकसभा।
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? जो महाभियोग चलाया गया ना, आई थिंक ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे महाभियोग कितना अनुच्छेद में होता है, ठीक है? चलिए, किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से, ठीक है? अमेरिका से बहुत चीज़ लिया गया है ना, मौलिक कर्तव्य भी अमेरिका से लिया गया है या मौलिक अधिकार। एक था रूस और एक अमेरिका था, और नीति निर्देशक जो तत्व आपको आयरलैंड से लिया गया है, ओके गाइज। और मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से, हो गया। हाँ, भारत का राष्ट्रपति में त्यागपत्र किसे करेगा? तो उपराष्ट्रपति को। न्यूनतम अवधि तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे बताइए? सबसे कम श्री वारगिरी वेंकट गिरी, याद रखिए खाली वेंकट गिरी से, ठीक है? सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति थे। संविधान उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से ही। उपराष्ट्रपति का भी अमेरिका से और राष्ट्रपति महाभियोग चलाने का भी अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए? तो सभी को पता है 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति पद चुनाव संचालित कहता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है? भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है बताइए? न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए या आपातकाल घोषणा कर? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया नहीं सकता है, हाँ आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी चाहिए? यानी उसका कोई आयु सीमा नहीं होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के लिए। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का राष्ट्रपति, ओके। और न्यायपालिका कौन था? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब तक सर्वाधिक मत कौन सा जीता? तो KR नारायण। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 14। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बता है? मध्य प्रदेश में, ओके। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोगप्रपात। ये देखें ना, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग तो मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात तो जोगप्रपात। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी सदन में। अब बताइएगा, अभी मैंने जस्ट बताया था ना, महाभियोग कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से ही, ठीक है। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद अवधि के दौरान हो गई थी बताइए कौन थे? तो कृष्णकांत। भारतीय संविधान के और प्रधानमंत्री में कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री को हो गया था कार्य के दौरान ही। भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में उपराष्ट्रपति का कौन सा क्रम होता है? तो दूसरा। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं? अनुच्छेद 67 में, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सा पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल समापति। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, गोदावरी को हम लोग क्या कहते हैं गाइज? तो वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। माजली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजली जो कि असम में है, ओके। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A को कौन से दर्रा पर कश्मीर घाटी जोड़ता है? तो जो जिला दर्रा, ओके। और जो जिला दर्रा आपको कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ओके। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुँचाती है? तो गंगा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश का। पंजाब में बड़ी संख्या में आपलवान नहर जल कहाँ होता है? सतलुज नदी। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटर धब्बा क्या होता है? तो लैटेराइट निक्षेप। भारत में अलवन जल सबसे बड़ी झील कौन सी है? अलवन मतलब समझेगा मतलब मीठे पानी का, लवन मतलब वही नमकीन नहीं हो, अलग है। तो उलर झील। डल झील क्या है? खारे पानी का झील। और डल झील कहाँ है आपको? जम्मू कश्मीर। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 180 डिग्री पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 में। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया? केरल। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य? बिहार। उत्तर प्रदेश कौन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, ठीक है, पहला। दूसरा पर कौन है आपको? महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे राज्य है तो महाराष्ट्र। तीसरा आपको मध्य प्रदेश, ओके।
अराका नुयोमा प्रसार उस हिमालय जो स्थित है म्यांमार में। वीव एक द्वीप है, तो ये कहाँ पे, गुजरात से हटकर। बाद के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसे आकार वाले मुगे का द्वीप समूह कौन है, मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ गाइस, माले। और लक्षद्वीप की राजधानी कावर्ती। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था, वर्धमान, ठीक है। और बताइए गाइस महात्मा बुद्ध का क्या नाम था बचपन का, सिद्धार्थ, ओके। नेक्स्ट है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र। अलकनंदा किस नदी के तटीय पर स्थित है, तो बद्रीनाथ। और आप ऑप्शन अयोध्या, तो अयोध्या आपको सरयू नदी के किनारे बसा, याद रखेगा। पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो पूर्वांचल। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, थार। सबसे बड़ा मरुस्थल भारत में कौन है, थार। और विश्व का पूछेगा तो सहारा। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया बताइए, 1975 में। कब, 1975 में। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बनना पानी किस नदी का जल का स्रोत है, तो नुब्रा नदी। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य। धूमकेतु जो सूर्य के चारों ओर। भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो असम। भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, तो असम, याद रखिएगा असम। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे करोड़ किसका एक बना होता है, लोहा का, ओके। एंड गाइस आपकी टोटल दो हो गए कंप्लीट। आप लोग भी क्विज में अटेंड चाहते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। देखिए इसमें से 200 में से 161 शुभम कुमार लाए हैं, गुलनाज लाया है, 116 लाया है, ठीक है। सिक्स थर्ड है आपको संतोष, 83। और इस प्रकार बहुत सारे गर्ल्स बॉयज दिए हैं, आप लोग भी देना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं, ओके। आप लोग के गिफ्ट हैं जो भी मिलते हैं। चलिए और भी है एक छोटा सा, 151 तक इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर आप हमारा वीडियो भी अच्छा लगे तो पहले लाइक करें, कमेंट करो एंड हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। एंड हमारे बैक साइड से जो भी बैकग्राउंड सॉन्ग आते हैं या बजते हैं उसके लिए सॉरी फॉर दैट, फॉर मिस्टेक। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान कहाँ है, तो क्राइकुडी। केंद्रीय कांच और मृत का अनुसंधान कहाँ है, कलकत्ता। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है, रुड़की। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, मैसूर। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, नासिक रोड, पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली। भाभा परमाणु संस्थान कहाँ कहाँ है, तांबे। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, देहरादून। भारतीय लॉ अनुसंधान रांची। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय, देहरादून। केंद्रीय आलू अनुसंधान, शिमला। केंद्रीय नारियल अनुसंधान, कासरगोड। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान, हैदराबाद। नेक्स्ट है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ है, तो भावनगर। भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ है, तो जलगोड में। भारतीय लौह अनुसंधान कहाँ है, रांची। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून। भारतीय सर्वोच्च विभाग कहाँ है, देहरादून। केंद्रीय आलू अनुसंधान जसपुर, शिमला। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ है, तो कासरगोड में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, नागपुर में। उच्च अक्षांश संस्थान कहाँ है, गुलमर्ग में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में। सख सनत का प्रारंभ किस सम्राट के साथ 78 में हुआ था, कनिष्क के। सर्वप्रथम भारत में विस्तृत संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राज्य में हुआ, शक राजा में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, तो विम कडफिसस। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र सुंग के। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, खारवेल था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, चतुर्थ बहुसंगी थी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, वास्तुकला। तहसीला विश्वविद्यालय स्थित है, पाकिस्तान बताए थे। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज, सातवाहन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 वर्ष हुआ, तो कनिष्क। कनिष्क के समय कौन थे गाइज, डॉक्टर आपको, तो उस टाइम थे, माइंड में तो याद नहीं रहा है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, गोंदोफिनर्स। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कहाँ है, कानपुर में। केंद्रीय तंबाकू का, राजमुंद्री में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर में। भारतीय मौसम विभाग संस्थान, नई दिल्ली में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, चेन्नई में।
केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? दुर्गापुर में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान करकुडी में। निम्न में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो कुषाण वंश। ठीक है, मौनकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन, मतलब गलत है, तो कोची नहीं था मतलब बारबेकिन था। किस संग्रहालय में कुषाण काली मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? तो मथुरा संग्रहालय में। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। मौर्य काल उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू नामी राज्य की स्थापना किया? इंडस ने। जो कि आपके 51 भी कंप्लीट हुए। ठीक है, देखते हैं आगे, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए क्या? क्या नहीं होना चाहिए? तो 30 वर्ष से कम ना हो, योग्यता नहीं होना चाहिए, यानी कि योग्यता नहीं है तो 29 वर्ष से कम ना हो। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति पूर्व ही भंग किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद सलाहकार पर। राष्ट्रपति लोकसभा कार्यकाल प्राप्त करने में पूर्व भंग कर देता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में? 2 बार। लोकसभा में बैठक की अंतिम तिथि दूसरी बैठक की प्रति तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतराल होना चाहिए? 6 माह। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1936 में। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किस होता है? लोकसभा से मांगे। लोकसभा संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कार्यकाल कितना वक्त मिलता है? 23,000। नेक्स्ट है, संसद के साथ में उपस्थित रहने और संसद समिति की बैठक में भाग लेने के लिए कितना दैनिक भत्ता? तो 1,000 रुपया। संसद के सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना मिलता है? 45,000। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में उठा जाता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य जरूरत होती है? कुल 1/10 भाग। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित पर लोकसभा भेजता है? तो 7। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? दिल्ली। जहाँ तक लोकसभा प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तीसरे पर है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। निम्न 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा का सबसे कम सदस्य है? हरियाणा। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? 11। बिहार में लोकसभा के लिए सीटों कुल संख्या 40। याद रखिए करें, प्रश्न बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 11, बिहार में 40। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों के अपने सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। निम्न से राज्यों के किस को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। कौन सा एक में सही नहीं है? राजस्थान लोकसभा में 13। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा में किसके लिए स्थान आरक्षित है? इनमें सभी अनुसूचित जाति, सूचित अंगपाति वर्ग। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को प्रतिनिधि देने के लिए नामित करता है? एंग्लो एडियन। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति चुने जाने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने गए जाने लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने 7वां और 21वां? निम्न में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? मलकागिरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? लक्षद्वीप। लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में, सब पता होगा। अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने स्वचित निर्वाचित क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 131। लोकसभा के एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितना जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख, यानी कि 5.5 लाख, 7.5 लाख। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा में राज्य सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है या किस निर्वाचन पर किस रहेगा? 26 तक। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के सीमा निर्धारण पहली बार किस समय किया गया था? 1972। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन निर्धारित है 1971 की जनगणना पे। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है? तो जनसंख्या पे। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों के क्षेत्र तहत मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 331। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। उपराष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय कितने प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। ओके गाइस, कुछ देर वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग तब तक रिविजन करें। एंड मैं जस्ट आया। 1 मिनट।
गाइस सॉरी फॉर दैट। आगे नेक्स्ट है, हम यहाँ थे वर्तमान में लोकसभा किन सदस्यों को राज्य की जनता से निर्वाचित करती है, तो 530। 31वीं संवैधानिक संशोधन नियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी आ जाती है, 545। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 500। भारत में लोकसभा का किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो भारतीय जनता का। नेक्स्ट है, निम्न में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में, तो लोकसभा। आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यदि कुछ और भी है 41 को इसको भी फास्ट में ख़त्म करते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है, लद्दाख। निम्न में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है, जो जिला माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र। छोटा नागपुर और ग्रेट निकोबार किस चैनल से अलग होता है, सेंट जॉर्ज चैनल से। कौन समित नहीं है, यानी कि सिर्फ क्या मध्य प्रदेश गलती है। देखिए नीति जो उत्तराखंड में बनिहाल द्वारा जम्मू कश्मीर में सही है, नाथुला भी सिक्किम में, सिपिकल्ला आपको जो है ना गाइस हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है, तो पिटली पिटली द्वीप पर। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, मीनकाय द्वीप। मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा द्वीप, हरिद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो जारवा जनजाति कार्बन निकोबार नेता है। देखिए दक्षिण अंडमान राजधानी सही है, सर्वोच्च चोटी अंडमान में सही है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। माना दारा कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। अरब सागर के द्वीप में किस भाग को मीनकाय द्वीपों के नाम जानता है, तो दक्षिण को। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का दक्षिण द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है, जम्बू द्वीप। पवन द्वीप भारतीय और किस देश के मस्जिद है, श्रीलंका। निमर द्वीप 1970 में बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात के बाद उभरा है, तो भोला चक्रवात। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है, पिट्टी द्वीप। इनमें से किस द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम नाम रख दिया है, तो वीरर द्वीप का, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप पर स्थित, राजनगर बीच को 2004 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ बीच घोषित किया गया, वेलाक द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आइडर द्वीप। निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है, पालघाट। हालॉक द्वीप का नया नाम क्या है, स्वराज द्वीप। पंबर द्वीप इनमें से किस खाड़ी में स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, 36। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप बदले गए, कौन सा असम्मिलित है, तो लैंड ऑफ द्वीप इंदिरा द्वीप। नेक्स्ट है, अंडमान का सर्वोच्च चोटी सेंडल पिक है, कथन टू है। निकोबार सागर का सर्वोच्च चोटी माउंट एरियट है, तो क्या सिर्फ केवल पहला है सही, यानी कि पहला में क्या था, अंडमान सागर का सर्वोच्च चोटी पर सेंडल पिक है, राइट है। निम्न में से कौन सा समय का नहीं है, बता रहा है, पालघाट केरल का सही है, नाथुला आपको सिक्किम है, बोमडिला का है हिमाचल प्रदेश, लेकिन भोरघाट हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ठीक है। पालघाट केरल का है, नाथुला सिक्किम का है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, विलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो अब्दुल कलाम द्वीप सेमा था। इनमें से किस एकमा द्वीप पर एक तेल रिफाइनरी स्थित है, क्रॉस द्वीप। मरुस्थल परिभाषित क्या था, उस क्षेत्र के रूप में है, वार्षिक वर्षा जहाँ 25 किलोमीटर से कम हो उसको हम लोग मरुस्थल कहते हैं। आपस में जुड़े द्वीप समूह क्या कहते हैं, आर्किपेलगो। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, जो कि आपको राजस्थान पड़ता है। भारत का थार मरुस्थल कितना परसेंट भाग राजस्थान में है, 62%। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस द्वीप अवस्थित है, सौष्ट द्वीप। नाम भिकेंगे कुंगरी दर्रा किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, खैबर दर्रा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, सालसेट द्वीप। लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा किस द्वीप पर है, आकती द्वीप। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, अनुमार द्वीप समूह। और गाइज 10:41 आपके कंप्लीट हुए, एंड सॉरी फॉर मिस्टेक बैक से जो भी आवाज़ आ रहा है। तो गाइज आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, इसी प्रकार फिर मैं आपको नेक्स्ट में भी जस्ट वीडियो में आता हूँ, क्योंकि मैंने मैराथन बोला है 4 क्लास 4 घंटा तक टाइम चलेंगे, ठीक है। हे गाइस वेलकम इन ऑल एवरीवन, गाइस वेलकम। जैसे गाइस मैं आज आप लोग के लिए सपनों की उड़ान में लेकर आया हूँ क्विज में, एंड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं गाइस प्रीवियस ईयर के हैं, एंड यहाँ पे दिखाई दे साइंस के आपके 50 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 50 सेकंड में, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट हो चुके हैं, तो मैं वो एनालिसिस पे बेस पर लेकर आया हूँ। तो चलिए गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, एंड गाइस आपको बता दूँ ये सब इसमें मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस का रहेंगे, GK JS रहेंगे, एंड ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो आप CHSL का प्रिपेयर कर रहे हो या आप CGL, MTS, हर एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। तो चलिए गाइज टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, एंड गाइज आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर। तो जैसे गाइज फर्स्ट आपके स्क्रीन पे फला मैसेज है, एंड फला क्वेश्चन ये है कि
कुकुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण क्या है? फंगस रोग है या फंगस रोग है, ठीक है, रिकेट्स के कारण या एस्परोजिलिस। तो रिकेट्स जो होता है ना, कुकुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण है, जो कि एक फंगस रोग है, ठीक है, रिकेट्स। रिकेट्स आपको बता दें कि विटामिन डी की कमी से होता है, और डी रिकेट्स जो होता है ना गाइस, हड्डियों से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफ्रोल होता है, इसको याद रखें। ऑर्थोपोंडा की देगुहा क्या है? तो होमोसिल या स्यूडोसिल, तो होमोसिल। नेक्स्ट है गाइस, ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल कौन सी परत होती है? सबसे नीचे की परत या सबसे बाहरी परत? तो सबसे नीचे की परत ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। वायुमंडल में सीओ कितना होता है? 0.02 या 0.03%। देखिए गाइस, यहाँ पे CO2 होना चाहिए, ठीक है ना, हल्का छूट गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? तो 0.03%, याद रखिएगा, ठीक है, हमारे वायुमंडल में। जल पुरुष के रूप में जानने वाले का नाम क्या है? राजेंद्र सिंह या गोपालनाथ, यानी कि जल पुरुष के रूप में हम लोग बोलते हैं तो राजेंद्र सिंह को, याद रखिएगा। जल का द्रव रूप क्या होता है? ठोस या पानी? तो लिक्विड फॉर्म होता है वाटर का, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस किस चीज़ का बना होता है? शीशे का या पित्तल का? तो शीशे का। ग्रीन हाउस पौधे को क्या किस टाइप में होते हैं? ठंडा या गर्म? तो हॉट होते हैं, यानी गर्म। ओजोन परत क्या है? वायुमंडल के ऊपरी भाग या वायुमंडल की निचली भाग? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग। नेक्स्ट है गाइस, ओजोन छिद्र कैसे बनते हैं, यानी कि ओजोन में छिद्र होता है, फ्लोरोकार्बन क्या है या क्लोरोफ्लोकार्बन? तो दोनों कारण, ठीक है। मानव पाचन नाल के किस भाग में पेरिस्टाल्टिक गतियां नहीं होती? छोटी या ग्रसनी? तो ग्रसनी। मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि या इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि? तो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि। स्तनधारियों की ग्रास नली का संश्लेष्मा स्तर बना होता है, स्तरीय घनाप का, घनाकार उपकला का या सल्क उपकला का? तो सल्क उपकला का। नेक्स्ट गाइस, रेबीज बीमारी होती है किसके कारण? कुत्तों द्वारा, चूहों द्वारा? तो बता दूँ, कुत्तों को काटने से आपको RBG यानी कि रेबीज बीमारी होती है। एड्स बीमारी का संक्रमण क्या है, यानी कि एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? एक्वर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम, ठीक है, जो कि आपको लैंगिक अंग के द्वारा होता है, यानी कि सेक्सुअल इसको बोलते हैं, एक दूसरे के कारण होता है, गर्ल्स विथ बॉयज या अदर रिलेटेड। निम्न में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है? टीटनेस या मलेरिया? तो टीटनेस है, जो कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी है, और मलेरिया तो आपको पता होगा प्रोटोजोआ वायरस कारण होता है। फलेरिया या एल्फेटिक्स का कारण क्या है? फलेरिया किस कारण होता है? तो वायरस की प्रोटोजोआ, तो वायरस कारण, और प्रोटोजोआ होता है आपको मलेरिया कारण, ठीक है। संक्रामक रोग से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया गया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है? स्वास्थ्य सुविधा या टीकाकरण? तो टीकाकरण। एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करती है जीवाणु के वायरस को? तो जीवाणु को। नेक्स्ट गाइस, हमारे शरीर के भीतर पाया जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र होता है रोगाणु से लड़ने की क्षमता या विशेष प्रकार उसका? तो रोगाणु से लड़ने की क्षमता, जिसको देखिए प्रतिरक्षा मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर बॉडी को जो प्रोटेक्ट करे, तो रोगाणु से क्षमता। BCG का टीका दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए या पूरे को बचाव? तो BCG का फुल फॉर्म मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस का मैं बता रहा हूँ, यानी कि TB का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए BCG का टीका लगाते हैं। ओके गाइस, आई विल सी योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई व्हेन यू विल बी गेट BCG फुल फॉर्म। नेक्स्ट है गाइस, इनमें से कौन सा भूरा सवाल के नाम से जानता है? ईस्ट या लैमिनेरिया? तो लैमिनेरिया। नेक्स्ट गाइस, बंदर को किस संघ में रखा गया है, रेप्टेलिया या मैमलस? तो मैमलस रखा गया है, ठीक है। न्यूमैटिक अस्थियां इसमें पाई जाती है, बताइए, वेल में कि मोर में? तो न्यूमैटिक अस्थियां मतलब कि हड्डी का नाम है, ठीक है, न्यूमैटिक, तो मोर में पाई जाती है, ठीक है। एस्केरिस का सामान्य नाम क्या है, शिप वर्म या राउंड वर्म? तो राउंड वर्म। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है CGL और CHSL में, जिके में हर बार पूछते हैं, जो कि न्यू क्वेश्चन आप लोगों को देख रहे होंगे, ठीक है। एंड गाइज, अभी मैं इसी प्रकार का कंटिन्यू 100 तक क्वेश्चन लेके जाऊंगा, 100 प्लस तक ही, ठीक है, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके पास इस तरह का डेली नोटिफिकेशन आए। नेक्स्ट गाइज,
रोगों को संचित करने वाला जीव कहते हैं रोगवाहक या रोग कारक, तो रोगवाहक। ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होता है प्रोटोजोआ बैक्टीरिया द्वारा, यानी कि टीबी किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया द्वारा। इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, ल्यूकेमिया या टाइफाइड, तो टाइफाइड जो है संक्रामक है लेकिन ल्यूकेमिया संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट गाइज, पीलिया बीमारी प्रभावित होती है, यानी कि पीलिया जो यानी कि बीमारी होता है ना किस जिसको बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है, तो क्या हमारा प्रभावित करना इफेक्ट करता है बॉडी को, कौन अंग को, पैंक्रियाज को, यकृत को, यकृत यानी कि किडनी एंड लीवर को, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, पोलियो बीमारी कारण क्या है, विषाणु या जीवाणु, तो पोलियो बीमारी कारण है विषाणु। नेक्स्ट है, पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाला तंत्र होता है उत्सर्जन तंत्र या तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र। निम्न में से कौन संक्रमित बीमारी नहीं है, इन्फ्लुएंजा या एलर्जी, तो आपको एलर्जी, साइलेंस। नेक्स्ट है, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना क्या कहलाता है, यानी कि केमिकल का यूज करेंगे और जिससे कि हमारे क्या मच्छर वातावरण में जितना बहुत तंग कर चुके हैं कंट्रोल करना क्या कहलाएगा, जैव नियंत्रण या रासायनिक नियंत्रण, तो केमिकल ही नियंत्रण कहलाएगा, ठीक है, यानी कि केमिकल कंट्रोल। कुनैन की दवा का प्रयोग क्या होता है मलेरिया में कि पीलिया में, तो मलेरिया में बता दूं मैं गाइस, कुनैन प्राप्त होता है छाल से, आप लोग पढ़े होंगे बहुत बार जान रहे होंगे। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था किसने, स्वान या स्लाइडन या लिवनहॉक ने, तो लिवनहॉक ने। दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिका है हरित लवक या राइबोसोम, तो हरित लवक। अंत परद्रव्यी जालिका की खोज किसने किया, हेक्सल ने या पोर्टर ने, तो अंत परद्रव्यी जालिका की खोज पोर्टर ने किया। राइबोसोम की खोज की थी बेंडा ने या पैलेट ने, तो पैलेट ने। सामान्य रूप से भोजन का संग्रहण कहाँ होता है, मृदु तक में या द्युतक में, तो मृदु तक में। उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि उत्तक कहते हैं गाय जो कि उपकला उत्तक, उसका कार्य क्या है, जनन या रक्षा, तो रक्षा करना। मधुमक्खी की मोम ग्रंथिया में क्या उपस्थित होती है, श्रमिक या नर मधुमक्खी, श्रमिक। भारत के समुद्री भोजन मछलियाँ में कौन नहीं है, एकाइनोडर्मस या उड़नमीन, तो एकाइनोडर्मस। अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुकुर चिड़िया की विदेशी नस्ल है, श्वेत लेगहॉर्न या श्वेत कॉर्निश, श्वेत लेगहॉर्न। नेक्स्ट है, पशुओं के मोटा चारा कौन नहीं है, बिनॉल या लोविया, तो बिनॉल। इनमें से कौन सा कीट एक सामाजिक प्राणी है, मधुमक्खी या घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी, तो मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी, याद रखिएगा। पादप प्रजनन को एक रोग प्रतिरोधक उपजाति उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, संकर या चयन, तो चयन। नेक्स्ट है गाइज, पौधों किसके द्वारा प्रतिरोध बनाता है, यानी कि पौधों को किसके द्वारा प्रतिरोधी बनाता है, कॉल्सिन या प्रजनन, तो प्रजनन के द्वारा। गिर साहिवाल और लाल सिंधी इसमें विभिन्न नस्ल होती है किसकी, गाय की या बकरी की, तो गाय की। कोयला क्या है, तत्व की यौगिक, तो आपका कोयला एलिमेंट है, ठीक है, कंपाउंड नहीं है। देखिए तत्व क्या होता है, हो गया ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व हो गए, ठीक है, एग्जांपल। एंड यौगिक बोलते हैं जो कि दो आपको तत्व मिल के, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा ना तो वाटर बनाएगा, यानी कि जल बनाएगा, H2+O2=H2O, तो आपका कंपाउंड यानी कि यौगिक है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ आ गए होगा डिफरेंस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड गाइज आपके 50 कंप्लीट हो गए। एंड देखिए इसमें मानसी गर्ल्स है जो कि आपको 50 में 22 लाई है 4 में 3 सेकंड में, पीयू लाई है 3। ये आपको क्वेश्चन का मतलब जो भी अपना देते हैं सबका मार्क्स होता है। अब इसी प्रकार के बहुत बार हुआते हैं क्विज, एंड आप लोग भी देना चाहते हैं तो अटैच हो देते हैं। चलिए एक क्विज के आपको ये सब क्या है देख लो, जलेबी मुँह में पानी तो नहीं आ रहा है ना देखकर, तो कंट्रोल करना आप लोग, तो ये सब जो प्राइज में टॉपर करते हैं ना उनको मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर से क्वेश्चन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी मान के चलिए गाइस ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, पानी के बूंदाकार गोला होने के कारण, यानी कि पानी जो बादल से गिरता है ना वो गोल क्यों होता है, बरसता है, तो बताइए। तो उसका रीजन है पृष्ठ अपलावन,
तो पृष्ठ तनाव कारक। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, पृथ्वी के पलायन का वेग कितना होता है, मतलब तल से 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, एस एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट या 756। तो आपको 746 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फूलगोभी के खाने योग्य भाग, यानी कि फूलगोभी हम लोग जो खाते हैं ना, उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, जड़ या पुष्पकर्म। तो हम लोग पुष्पकर्म, पुष्पकर्म का कहने का मतलब है गाइस, उसमें फूल जो होता है ना, हम लोग फूलों खाते हैं ना, पुष्पकर्म, फूलगोभी में ऊपर वाला भाग। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 4 या 5। तो नींबू के रस के पीएच मान होते हैं 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ सकता है। जैसा कि आपको बता दूँ तो शराब का पीएच मान 8.5 होता है, मूत्र का पीएच मान आपको होता है 6, एंड गाइज ब्लड का यानी कि रक्त का होता है 7.4। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, तो उसी प्रकार नींबू का रस का पूछा है, तो आपका 4 होता है, याद रखिएगा। और मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ गाइज, पीएच मान का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। और किसी भी चीज़ को हम चेक करते हैं ना, तो पीएच स्केल के द्वारा करते हैं, जैसे अम्ल होता है, क्षार होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान गाइज 7 से कम होता है, और अम्ल वह पदार्थ है ना जो कि खट्टा होता है, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत है। अब क्षार मैं बताता हूँ, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक रहेगा तो क्षार, और उसका कैसा होता है, कड़वा। जैसे गाइज यहाँ पे नींबू क्या होता है, आपको मैं बता दूँ, नींबू क्या होता है, खट्टा। और मैंने बताया यह अम्ल हो गया, यानी कि 7 से कम है ना, 4 है और 5 है। यहाँ पे 4 और 8 देता ना, तो आप ऑप्शन से भी मार सकते हो, ठीक है, बस जानकारी रहे तब। और उदासीन बचा, तो उदासीन का पीएच मान होता है गाइज 7। अब बता दें कि 7 क्यों है, यानी कि उसका ना स्वाद का आपको पता नहीं चलेगा, ठीक, ना कड़वा रहेगा ना मीठा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। जैसे कि पीएच मान बता दूँ किसका 7 होता है, तो वाटर का। सामने दिखाई दे रहा है आपको सीजीएल, आपको 2025 पूछा है, या आपको एस्टेनोग्राफर में पूछा है 2011 में क्वेश्चन, एटाव UPPS में पूछा 2000 में। तो जितने भी क्वेश्चन है ना गाइस, मैं प्रीवियस ईयर का लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि आपके जनरल साइंस होंगे, जनरल नॉलेज भी होंगे, आपके आर्ट्स सब्जेक्ट्स भी होंगे, जैसे लाइक हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, एंड साइंस से रखेंगे, ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। तो गाइज, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है गाइज, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब गाइज। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ढिलका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। देखिए, दिल्ली का पूरा नाम ढिलका भी लोग कहते थे। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, परमारू ने या तोमरू ने, तो तोमरू ने, ठीक है। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, हरिकेली के या नागानंद के, तो हरिकेली के। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, राणा रतन सिंह या राणा कुंभा, तो राणा कुंभा, ये UPPS पूछा है। किसकी राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कप्त्यक, महालधर ने कल्पद्रुतम या कल्पकरु तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की, जयचंद्र या गोविंद चंद्र, तो गोविंद चंद्र। किस पाल शासक को उस गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापथ स्वामी कहा, धर्मपाल या देवपाल, तो धर्मपाल ने। रानी पदादिनी के पति का नाम क्या था, राणा रतन सिंह या महाराणा प्रताप सिंह, तो राणा रतन सिंह। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलियुचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलियुचुरी संवत भी कहलाता है, त्रैकुंटक संवत या विक्रम संवत, तो त्रैकुंटक संवत। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया, प्रतिहार या पाल, तो पाल वंश को। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहता है, जदुनाथ सरकार या कर्नल टाड, तो कर्नल टाड को। नेक्स्ट है गाइस, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं इस वंश के शासन को बैरा कहकर पुकारा, सुलेमान या अलमसुद्दी, तो अलमसुद्दी ने। नेक्स्ट है, समारंगढ़ सूत्रधार का विषय क्या है, स्थापित सात या खगोल ज्ञान, तो स्थापित सात। ये देखिए MTS में आपको पूछा है 2019 का, जो कि अभी MTS का एग्जाम होने वाला है 2023 में, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, मालखंड मानख्यात या पाटलिपुत्र, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपको मालखंड थी, ठीक है, मालखंड को मानखेत बोलते हैं, याद रखिएगा।
देखिए टैक्स असिस्टेंट में पूछा है क्वेश्चन, राजकोष वंश की राजधानी कहाँ थी, मालखंड या मानकाट की पाटलिपुत्र, तो मालखंड, वही सेम। किस प्रतिहारक शासक की आदिर्वाह की उपाधि का धारण है, नागभट या मिहिर भोज, तो मिहिर भोज। किस प्रतिहार शासक ने आदिर्वाह की उपाधि के धारण की, नागभट टू या मिहिर भोज, तो मिहिर भोज। जैन वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलता है, खजुराहो में, दिलवाड़ा में, तो दिलवाड़ा में। जैन वास्तु प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलता है, क्या दो दो बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि दो दो बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। 712 में सिंध पर अरब के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, दाहिर, अच्छा तो दाहिर, आपको MTS में पूछा है, ठीक है। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने सिंह दिया, मीरभोज या महेंद्रपाल, तो महेंद्रपाल फर्स्ट ने। किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार वंश की अल गुजर इस वंश के शासक को बैरा का कर दिया, अल समुद्दीन ने, सेम क्वेश्चन। मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, जो कि आपको NTPC में पूछा है, ठीक है, उड़ीसा या गुजरात में, तो गुजरात में। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जानते हैं, नहीं जानते मैं बताता हूँ, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, याद रखिए, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि मुडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को सच्चा मिला, जयसिंह या कुमारपाल या दोनों, तो दोनों को, जयसिंह सिद्धराज को, कुमारपाल को। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को सच्चा मिला, तो दोनों को, सेम क्वेश्चन फिर से। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है, उसने किस वर्ग को इसकार के पूर्णतः मुक्त रखा था, यानी कि जजिया कर लगाने का जो भी टैक्स देते थे ना उसको जजिया कर बोलते थे, तो किन पर मुक्त रखा था, ब्राह्मण पर, निम्न जाति के लोग, तो ब्राह्मण को, ठीक है। आपको गाइस ये क्वेश्चन आपको पूछा था CGL 2009 में, ठीक है, अभी PSC में पूछा है। कलंकृत राजतरंगी में कुल कितनी तरंग है, तो राजतरंगी को किसने लिखा गया, कलन लिखे हैं, ठीक है, और कितने तरंग, 8 की 11, तो 8। कलंकृत राजतरंगी कितने हैं, 8, याद रखिएगा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को प्राप्त किया, जयसिंह सिराज या भीम टू, तो भीम टू। वह प्रथम भारतीय शासक, सेम है। कर्पूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार के शासक ने संचन दिया, ठीक है, महेंद्रपाल या मीर भोज, तो महेंद्रपाल ने। नहीं, में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, अफगान या अरब, तो अरब था। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया, बुंदेल राजपूत या चंदेल राजपूत, तो खजुराहो का चंदेल राजपूत, याद रखिएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, आबू पर्वत या सरन बिलगुला, तो दिलवाड़ा आपको आबू पर्वत, जो कि आप CGL में पूछा है, UPPS में भी 2016-2015 पूछा है। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रभावित रखता है कौन सा है, त्रिभुवनेश्वर मंदिर, लिंगराज या राजरानी मंदिर, तो त्रिभुवनेश्वर मंदिर, लिंगराज। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था गाइस, चंदबरदाई या भवभूति, तो चंदबरदाई। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था, देवपाल या धर्मपाल, तो धर्मपाल। नीम में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है, लिंगराज मंदिर या कंदरिया महादेव मंदिर, तो कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। नीम में से किसे एक नए सर्वत चलाने का यश प्राप्त है, विजय सेन या लक्ष्मण सेन, तो लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयोधर किस सभा को लिंक करते हैं, लक्ष्मण सेन, विजय सेन, तो लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया, कुमार गुप्त या धर्मपाल, तो धर्मपाल ने। नशे चरित एवं खंडन खंड खात के रचयिता हर्षिहर्ष के शासक राज कवि थे, पृथ्वीराज त्रि या जयचंद, तो जयचंद के। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस राज निर्मित है, नागर या द्रविड़, तो नागर के। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य में, भुवनेश्वर या कोलकाता, तो चंदावर के युद्ध 1194 में बताया, जो कि आपका CGL 2014 पूछा है, तो कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की, धनपाल या वत्सराज, तो वत्सराज ने। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, पाटलिपुत्र या कनौज, तो कनौज। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दयाभाग के रचयिता कौन है, विघ्नेश्वर या जीमित मोहन, तो जीमित मोहन। सेन वंश का संस्थापक कौन था, बलान सेन या सामंत सेन, तो सामंत सेन। आपको BPSC 2015 में, BPSC का फुल फॉर्म का क्या होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया, सामंत सेन या बलान सेन, तो बलान सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर रचना की, विजय सेन या बला सेन, तो बला सेन। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, आपको CGL 2022 में। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, भीमदेव फर्स्ट या मूलराज, तो भीमदेव थे, ठीक है।
इसमें देखिए गाइस ये भी पूछ सकता है सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया गया, 2025 में, और किसने किया तो मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, केरल उड़ीसा, तो आपको उड़ीसा में है जो कि पुरी में। ठीक है, केरल की राजधानी गाइस तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा के भुवनेश्वर। नेक्स्ट है तिरुपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया, प्रतिहार या राष्ट्रकूट, तो प्रतिहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति या उष्णम स्मृति, तो उष्णम स्मृति। हिंदू वेद पर एक पुस्तक मिथाचरा किसने लिखा, विज्ञानेश्वर या मुखवश, तो विज्ञानेश्वर ने। याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था, मीरभोज या नागभट फर्स्ट, तो नागभट फर्स्ट। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल या धर्मपाल, तो पाल वंश का गाइस गोपाल था। आइए इसमें प्रेम पूछा, ठीक है, 1990 में पाल वंश का संस्थापक गोपाल वंश। ठीक है, निम्न में से कौन कविराज के नाम जानते हैं, भोज परमार या मीर भोज, तो भोज परमार। देखिए इसमें क्यूज आप लोग भी दे सकते हैं, सभी स्टूडेंट लोग देते हैं और आप लोग यूज होने जाते हैं, सॉरी आप लोग मतलब कि देना चाहते हैं तो आप लोग UPSC SSC नाम है अच्छे आपको ये टेलीग्राम पे, और आप लोग भी क्विज दे सकते हो और इसी प्रकार आप लोग पढ़ सकते हैं। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की, नेजुडलियन या कारिकाल, तो कारिकाल ने। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, ईसाई या जैन, तो जैन। लालचेर के नाम से प्रसिद्ध वच्चे शासक कौन था जिसने कड़ग यानी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया, कारिकाल या सेनगुटवन, तो सेनगुटवन। इनमें से कौन सा समय युग व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मान जाती है, तुलका पीएम या एतुतु गई, तो तुलका पीएम। निम्न से कौन सा संगम व्याकरण रचना सर्वाधिक सेम है, निम्न राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिला, कदम या पांडे, तो कदम का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है, चेर या पांडे, तो चेर। याद रखिएगा, तमिल भाषा के शिल्प अधिकारम और मणि खेलम नमक गौरव ग्रंथ किससे है, तो बौद्ध से संबंधित है। संगम युग के यूरेलू किसके लिए ख्यात था, कपास के व्यापार के लिए या विदेशी व्यापार के लिए, तो कपास के व्यापार के लिए। नेक्स्ट है, प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश हैं, विष्णु या स्कंद कार्तिक है, तो स्कंद। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, पाली या तमिल, तो तमिल भाषा। संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रयुक्त होता है, प्रधानमंत्री राजा, तो राजा। किस संगम युग राज्य के संचय में 3 संगम का आयोजन हुआ, पल्लव या पांडे, तो पांडव। किसने उल्लेख किया कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है, मामूलनार या तोकपियर, तो मामूलनार। नेक्स्ट है, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमान सम्राट के दरबार में विश्व ईसा पूर्व के लगभग एक दूत भेजा, च्यूनरेस या पांडनेस, तो पांडनेस ने। कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन है, इतुदगोई तुर्कीपयम, तो तुर्कीपयम। किस तमिल काव्य का ओडिशा कहा जाता है, शिल्पकादीरम या मणिक मेलई, तो मणिमेलई कही। गाय या अन्य वस्तुओं के लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहता है, आपको इम्पिटेशन पूछा है, वीरकल, नाडुकल या कडमई, तो वीरकल बोलते हैं, ठीक है, या नाडुकमल। तुल्कपियम ग्रंथ किस संबंधित है, व्याकरण और बेकाव्य से, प्रशासन से, तो व्याकरण से। ठीक है, तमिल का काव्य इलियड, काव्य का इलियड किसे कहता है, तुल्कपियम या शिल्प शिल्पदकियम, तो शिल्प का अधिकारम। तिरुवल्लुवरम की रचना कुरिल या मुपाल को क्या कहा जाता है, तमिल भूमि का महानाट्य ग्रंथ, तमिल भूमि का बाइबल, तो तमिल भूमि का बाइबल। नेक्स्ट है गाइज, भारतीय संसद की संप्रदा प्रतिबंधित है, भारत के राष्ट्रपतियों से या न्यायिक समीक्षा से, तो न्यायिक समीक्षा से। संगमकालीन साहित्य में कौन कौन मनंत किसे प्रतियुक्त है, प्रधानमंत्री राजा, तो सेम है राजा। तो गाइज आपके टोटल 75 था जो कि मैंने कंप्लीट करा दी, एंड गाइज इसमें इतने लोग क्विज दिए हैं, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट टाइम पेश के लिए 11 नंबर लाएँ, ओम प्रकाश 10 लाएँ, ठीक है, निखिल प्रजापति 5, एन अश्वनी, संजू, आकांक्षा, बीटू कुमार, तो आप लोग भी दे सकते हैं, ग्रुप का नाम UPSC और ऐड हो जाए, और इसी प्रकार आप लोग भी क्विज दें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, एंड गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, ठीक है। मानव शरीर का बैंक किसे कहते हैं, कृत, किडनी, पलिया, हृदय, तो प्लिया को, ठीक है। सेन नाम किस जीव वैज्ञानिक ने प्रथम दिया था, यानी कोशिका नाम, रॉबर्टुक, ब्राउन, फ्लेमिंग या लिवोनोक, तो रॉबर्टुक। गाइज रॉबर्ट ब्राउन जो थे ना केंद्र खोज किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से भेद करती है, सेंट्रोमियर, राइबोसोम, सेंट्रियोल या माइटोकांड्रिया, तो सेंट्रियोल।
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादनीय होगा? उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण? तो प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका को ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? माइटोकांड्रिया या राइबोसोम या गोल्जी का या न्यूक्लियस? तो माइटोकांड्रिया को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया, गोल्जी का, सेंट्रोसोम या राइबोसोम? तो राइबोसोम। और इसको हम लोग प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद में रखना माइंड में। नेक्स्ट है, कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? गोल्जी का, केंद्रिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति? तो कोशिका भित्ति। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी का या माइटोकांड्रिया? तो माइटोकांड्रिया। फूलों और बीजों को इन प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट? तो क्रोमोप्लास्ट, मतलब कि अलग अलग जो कलर होते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट का होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? गोल्जी का, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस? तो लाइसोसोम बोलते हैं। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, नाइन किलोन्यूटन? तो गाइस कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, और भी दो का होता है, ऊष्मा का भी होता है जूल, वाट आपको शक्ति का होता है, नाइन सीजीएस यूनिट है आपको बल का, और बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। देखिए दिया नीचे, प्रकाश वर्ष का क्या है, किसका दूरी, किसका मात्रक है? धारा, दूरी, प्रकाश है, समय? तो दूरी का, ठीक है। और पर समय का सेकेंड होता है, ठीक है, और धारा यानी कि करेंट का एम्पेयर। प्रकाश वर्ष मात्रक, दूरी का, कंप्लीट रखिएगा। कौन समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा या प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है, ठीक है। एंड गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और कहीं भी बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, एनी फॉर आई मिस्टेक गाइस। नेक्स्ट है, पार्श्व की इकाई क्या होता है? चुंबकीय बल की, दूरी की, प्रकाश की चमक की या समय की? तो पार्श्व होता है दूरी की। चुंबकीय फ्लक्स बल का क्या होता है? फ्लक्स यानी कि वेबर। समय का क्या होता है? सेकेंड। पार्श्व की दूरी का है, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। ल्यूमिन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता या वो दोनों या ज्योति फ्लक्स? तो ल्यूमिन आपको ज्योति फ्लक्स होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता गाइस आपको होता है कैंडल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब कब लागू हुई? 1971, 1983, 1991, 1959? तो 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू? 1971, 1959? तो 1971 में। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स या ज्योति प्रभाव? तो जैसा कि अभी जस्ट बताया था, ज्योति फ्लक्स कितना होता है? ल्यूमेन का, और ज्योति तीव्रता होता है कैंडेला का। कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता है, याद रखिएगा। हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्ध्य, तरंग की आवृत्ति, तरंग की स्पष्टता, तरंग की तीव्रता? तीव्रता, तो तरंग की आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति का ऐसे मात्रक पूछेगा ना, तो हर्ज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? स्मारक, जीवाश्म, चट्टान या मृदा? तो जीवाश्म का। सबसे पहले रेडियो सक्रियता का शब्द का प्रयोग किसने किया? हेनरी बेकरेल, मैरियम क्यूरी या रदरफोर्ड या डी ब्रोगली? तो हेनरी बेकरेल, हेनरी बेकरेल, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अनियंत्रित विखंडन, नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित विखंडन या अनियंत्रित संलयन? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन पर, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑक्सीजन, गामा उत्सर्जन या बीटा उत्सर्जन या अल्फा उत्सर्जन? तो बीटा उत्सर्जन। एंड क्या, कुछ टाइम तक वेट करिए एंड आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, जस्ट दो मिनट ब्रेक ले रहा हूँ, एक मिनट का ब्रेक। सॉरी गाइस, तो हम लोग कहाँ थे गाइस? रेडियो धर्मी पदार्थ, हाइड्रोजन में हो गया था। रेडियो धर्मी पदार्थ
किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं करता, ऑक्सीकरण, गामा उत्सर्जन या बीटा उत्सर्जन या अल्फा उत्सर्जन? तो गामा उत्सर्जन। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं करता, गामा उत्सर्जन। ठीक है, मेगा पार्टिकल किससे संबंधित है, नर्मदा आंदोलन या टेरी बांध या गोदावरी बांध या सोच गंगा? तो नर्मदा आंदोलन। नीम रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह गति मापने में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम। नीम तत्व में कौन ऊर्जा चक्र पृथ्वी संबंधित नहीं है, सोना, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस? तो सोना। मतलब कि ऊर्जा चक्र है, सोना गाइस क्या होता है, इंडिकेट ए होता है, कार्बन का सी होता है, नाइट्रोजन का एन होता है, फास्फोरस का पी होता है, याद रखिएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन प्रवाह सौर ऊर्जा के साथ शुरू होता है, निम्न दृश्यों में कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के समुचित प्रवाह को दर्शाता है? सौर ऊर्जा उपभोक्ता उपकरण, सौर ऊर्जा अपघटक मार्जक या सौर ऊर्जा उत्पादक उपभोक्ता? सौर ऊर्जा उत्पादक उपभोक्ता तो होगा सी, सौर ऊर्जा उत्पादक उपभोक्ता। ठीक है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है, पर्यावरण परिस्थिति के लिए, जैव विविधता के लिए, संतुलित विकास के लिए, सभी के लिए? तो सभी के लिए गाइस। निम्न में कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है, द्वीप, झील, तालाब, डेल्टा? तो देखिए, झील में जल होता है, तालाब में भी जल होता है, डेल्टा में, लेकिन द्वीप में नहीं होता है। जंतु विज्ञान के नाम जानते हैं, लैमार्क, डार्विन या चूटे प्रोफेसर अरस्तु? तो अरस्तु कहते हैं जीवन जंतु विज्ञान का जनक। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी ऑफ जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितना फीसदी क्षेत्र जलमंडल है, 70%, 74%, 99%, 33%? तो 70%। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र का जंक कौन है, प्लाइनडेल्डर, ट्वेंडिस, थियोफ्रास्टस, एलाइनस? तो आपको थियोपाइटस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहता है, ग्रीक, फ्रेंच, पुर्तगाली या लैटिन? यानी किस भाषा से बॉटनी आया आपको, तो ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा। हिस्टोरिया एनिमुलियम पुस्तक के लिए कौन है, लैमार्क, अरस्तु, थियोपेटस या डार्विन? तो अरस्तु है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दी जाती है, किसी शपथ, डार्विन के, थियोपेटस या अरस्तु या हिप्पोक्रेटस? तो हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस को क्यों दी जाती है, क्योंकि आज आपको बता दूँ तो चिकित्सा का जनक इन्हों का होता है। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को ही। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनदारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो गणित? तो जीव का है तो जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, केमिकल का रहता है तो रसायन विज्ञान, और आपको लाइट कोई भौतिक समान वस्तु होता है तो भौतिक विज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है, कवक, परिस्थिति, सवाल या विषाणु का? तो फाइकोलॉजी का होता है सवाल का। ठीक है, और फवक रहता है ना, यानी कि फंग, यानी कवक रहता है तो माइकोलॉजी। ठीक है, विषाणु रहता है तो वायरोलॉजी, याद रखिएगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत करते हैं, वर्गीकी, कारिकिक, अनुवांशिक या पारिस्थितिक? तो पारिस्थितिक, यानी कि इकोलॉजी। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अंदर से, पुष्पों के अंदर से, वृक्षों के अंदर से या बीच? तो देखिए, तो डेंड्रोलॉजी गाइज आपको वृक्षों का अध्ययन भी कहलाता है, झाड़ियों का अध्ययन भी कहलाता है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पॉलिनोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है आपको एंथोलॉजी, एंड एग्रोस्ट्रोलॉजी गाइज घासों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है प्राइमेट्स का, जीवाश्म का, स्त्रियों का या पक्षियों का? जीवाश्म का। ठीक है, जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया संबंधित जीव विज्ञान की सहायक कहलाती है, प्रास्तिकी, कारिकी, अनुवांशिक या पादप भूगोल? तो प्रास्तिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवालों का अध्ययन कहते हैं क्या कहते हैं, वर्गीय, सूक्ष्म जैविक, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? तो फाइकोलॉजी। सिल्विक कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन विकास के लिए सवालों का संबोधन या सिली सफाइड पादप का या कवक संबोधन? तो वन के विकास के लिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पत्ति, परागकण, फल या बीज? तो बीज का, यानी कि बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहते हैं। देखिए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं, इनके मन वनस्पति सुनते हैं, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर? तो हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं गाइज, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। फ्लोरिकल्चर मैं बता दूँ तो फूलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने लिखा। एग्रोस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, देखिए मैंने बताया था अभी जस्ट, फसलों का, फलों का, तेल बीजों का, घासों का? तो घासों का। बीजों का क्या गाइज, स्पर्मोलॉजी था। फल का क्या होता है अध्ययन, पोमोलॉजी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फीडोलॉजी किसका अध्ययन होता है, पादप रोग, चट्टान का, प्रदूषण का या भूमि का? तो भूमि का आपको अध्ययन करना फीडोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों को नाम देने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं, वर्गीकी, वर्गीकरण, नामकरण या पहचान? तो नामकरण, पहचान तो पहली बात नहीं होगा क्योंकि यह व्यक्ति है नहीं थोड़ी, तो वर्गीकी, वर्गीकरण आपको वर्गीकी का होगा। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, जस्ट मैंने रिपीट किया था, पोमोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, पीडियोलॉजी, एंथोलॉजी।
तो पोमोलॉजी ठीक है, एस्परमोलॉजी अभी जस्ट पढ़े, बीजों का अध्ययन, पीडोलॉजी जस्ट हम लोग पढ़े, भूमि का अध्ययन, एंथोलॉजी हम लोग जस्ट पढ़े, फूलों का अध्ययन ठीक है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेग्रेंस। एंड गाइस मैं बता दूँ इंग्लिश में भी पूछते हैं ठीक है ना, द स्टडी ऑफ पोलिनेग्रेंस, द स्टडी ऑफ अर्थ, तो दोनों में आपको इंपॉर्टेंट ठीक है। किधर तरफ बायोलॉजी साइंस में इंपॉर्टेंट है, एंड जो आपको वन बस चैप्टर इन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। तो परागकण का अध्ययन क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, पैनोलॉजी या पोमोलॉजी। तो देखिए इसमें तीन को आप लोग ऐसे काट दोगे, फाइकोलॉजी अभी जस्ट पढ़े सवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन ठीक है, पोमोलॉजी फल का अध्ययन ठीक है। तो पैलिनोलॉजी जो बना ना अब बचा वो क्या हो जाएगा, परागकण का अध्ययन। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, एथनोबॉटनी, एक्सोबायोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी या वानिकी, तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है ठीक है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, ओलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सेल्विकल्चर या पीसी कल्चर, तो गाइस इसका आंसर होगा ओलेरिकल्चर ठीक है। सेरिकल्चर क्या होता है गाइस, स्टडी ऑफ सिल्क ठीक है, और आपको पीसी कल्चर किसका होता है, मछली के बारे में अध्ययन करना ठीक है, पीसी कल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरिकल्चर याद रखिएगा। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधित अध्ययन, सेल्विकल्चर, एग्रोनॉमी या ओलेरिकल्चर या ऑर्बोरिकल्चर, तो कहते हैं आर्बोरिकल्चर ठीक है, याद रखें आर्बोरी। एग्रोनॉमी कहते हैं गाइज आपको ये फसल के बारे में अध्ययन करना ठीक है। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि पौधों के अंदर के बारे में अध्ययन, भौतिकी, आकार की, वर्ग की, शारीरिक, तो भौतिकी में तो क्या होगा हमारा आंसर होगा शारीरिक होगा ठीक है, शारीरिक। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन कहता है, कीट, शब्दार्थ, फफूंद, पादप, पादप विज्ञान की शाखा में कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन करते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री मतलब किसका अध्ययन होगा गाइस, फसल काटने के बाद वन लगाना, या वनों के वृक्ष लगाना, या कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, तो एग्रोफोरेस्ट्री होता है आपको कृषि के साथ यानी कि किसान के जो भी काम करते हैं उसके साथ उसी भूमि पर बारहमासी जो वृक्ष लगता है यानी कि एक साल ला, तो ये आपको कहता है एग्रोफोरेस्ट्री याद रखिए। अनगाइज हमारे बैक साइड से जो भी आपको आवाज़ आ रहे हैं प्रॉब्लम क्रिएट करें तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट गाइज। जीव द्रव्य के प्रतिकरण एवं संयोजन संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, टिश्यू कल्चर, एक्वा कल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है आपकी आप पहुँच गए फाइनल में ठीक है। अपवाहनकारी इकाई है, कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम हृदयत, कृत्रिम नेत्र या कृत्रिम यकृत, तो कृत्रिम गुर्दा यानी कि आर्टिफिकल किडनी अपवाहनकारी इकाई है याद रखिएगा। एंड गाइस आपके टूर कम्प्लीट हुए, देखिए 61 में भी नंगमित्रा, शालिनी, हरिओम ये लोग सभी लोग क्विज दिए हैं, नवनीत, सचिन, राहुल, संजीव, श्वेता, कृष्णा रंजन, प्रभाकर, दीपक कुमार एंड सभी कांग्रेस के, आप लोग भी इस तरह क्विज देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसमें ऐड हो सकते हैं, ग्रुप का नाम UPSC SSC ठीक है, एंड सर्च मार सकते हैं और भी बहुत सारे साइंस स्टडी जोन है आपका, सपनों की उड़ान है ठीक है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट में चलते हैं। एंड गाइस हमारी आपको मेहनत लग रही है, हमारी मेहनत को प्लीज़ आप सपोर्ट करें, लाइक कमेंट करें। स्मारक की नगरी किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या वियना, तो वियना को, और वियना किसकी राजधानी गाइस, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया का होता है आपको कैनबेरा याद रखिएगा। होली सिटी या इंटरनल सिटी किसे कहते हैं, सिंगापुर, कोरिया, रोम या जेरूशलम, तो रोम को, होली सिटी या इंटरनल सिटी ठीक है। एमराल्ड द्वीप किसका उपनाम है, अंडमान निकोबार, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, आयरलैंड, तो एमराल्ड द्वीप आपको आयरलैंड का। क्वेकर सिटी किस देश में है, USA, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड, तो USA। बात कभी किसे कहते हैं गाइज, चमोली, बंगलोर, केंट या कपूरथला, तो बैंगलोर को। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं, थाईलैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शंघाई, तो थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ गाइज, बैंकॉक, यानी कि एशिया का पेरिस कहते हैं। इंटलीज का मोती किसे कहते हैं, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, क्यूबा या ऑस्ट्रेलिया, तो क्यूबा, और क्यूबा की राजधानी कहाँ गाइज, हवाना है। ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है, स्कॉटलैंड, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो या बेल्जियम, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है ठीक है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसे कहते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड, तो थाईलैंड कहते हैं ठीक है। सिंगापुर का क्या होता है, सिंगापुर राजधानी है, थाईलैंड का बैंकॉक, फिनलैंड का हेलसिंकी, स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको बर्न है याद रखिएगा। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे, न्यूजीलैंड या ब्रिटेन, उसको नहीं, तो सूर्योदय का देश इसमें तो नहीं दिया गया, तो होगा सूर्योदय का देश हम लोग जापान कहते हैं ठीक है याद रखिएगा।
और नारियो क्या कहते हैं, मध्य राति का उगते हुए देश। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मिड नाइट सन किसे कहते हैं, वही जो मैंने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा, डिटेल जापान मुंबई या नार्वे, तो नार्वे को ही कहते हैं। रक्तवर महिला किसे कहते हैं, एवरग्रीन रोम कोरिया या मिस्र, तो रोम। इटली की राजधानी रोम है, ठीक है, कोरी का कोरिया आपको दक्षिण कोरिया का सियोल राजधानी है, मिस्र का राजधानी काहिरा है, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड म्यांमार जापान की न्यूबॉक, तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को। निरंतर बनने वाली झरना का शहर किसे कहता है, क्विटो क्यूबा जेरूसलम या फिनलैंड, तो क्विटो। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, जंजीबार वियना ऑस्ट्रिया पेरिस या थाईलैंड, तो पेरिस को बोलते हैं, ठीक है। और पेरिस किसका राजधानी है मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। सोमिल शॉपिंग मीनारों का शहर फिलाडेल्फिया ऑक्सफोर्ड या बेलग्रेड, तो ऑक्सफोर्ड। गौरव की कब्र किस महादेश में है, अफ्रीका एशिया दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, तो गौरव की कब्र आपको यानी गिनी तट अफ्रीका में। सात टापुओं का शहर किसे कहते हैं, क्यूबा रोम मुंबई या शिकागो, तो सात टापुओं का नगर आपको मुंबई कहते हैं, ठीक है। अब पांच राज्यों को भूमि बोलते हैं ना गाइस, तो पंजाब है, ठीक है। लैंड ऑफ कंगारू किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरब अर्जेंटीना ईरान, तो लैंड ऑफ कंगारू, यानी कि कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय है आपको ये जानवर भी है, तो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। सऊदी अरब का राजधानी आपको रियाद है, ठीक है, वहाँ का पैसा है सियाल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का बता दीजिए केनिया कैनबेरा और डॉलर। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। ईरान का राजधानी आपको तेहरान है, ठीक है याद रखिएगा। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं, सऊदी अरब मलेशिया अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक है। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं, न्यूयॉर्क लंदन लॉर्ड्स शिकागो, तो एम्पायर सिटी हम लोग कहते हैं न्यूयॉर्क को। नेवर नेवरलैंड और संसार का रोटी भंडार किसे कहते हैं, अर्जेंटीना उरुग्वे या प्रेविज ऑफ नॉर्थ, तो प्रेज ऑफ नॉर्थ बोलते हैं। फॉरबिडन सिटी किसे कहते हैं, फिलाडेल्फिया या ल्हासा तिब्बत या एवरडीन या लाओस, तो ल्हासा तिब्बत। पूर्व की बारूद का पीपा किसे कहते हैं, यूरोप की बारूद का पीपा, बेलग्रेड पुर्तगाल बालकन या फ्रांस, तो बालकन। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं, मेडागास्कर मालदीव म्यांमार या श्रीलंका, तो हिंद महासागर का मोती कहते हैं आपको श्रीलंका का, ठीक है। नेक्स्ट है मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, बाबुल मंदिर सिंगापुर या बहरीन या श्रीलंका, तो मोतियों का द्वीप हम लोग कहते हैं बहरीन को, ठीक है। बहरीन की राजधानी गाइस मनामा होगा, ठीक है, सिंगापुर के सिंगापुर, श्रीलंका का राजधानी कोलंबो, लेकिन कोलंबो पहले था, श्रीलंका का अब चेंज हो गया, ठीक है। श्री जयवर्धन कोटा याद रखिएगा, जयवर्धन कोटा। पिलर ऑफ हरक्यूलस किसे, जनजातार स्टेट ऑफ जिब्राल्टर या नीलांत प्रांत दक्षिण अफ्रीका, तो पिलर ऑफ हरक्यूलस कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को, ठीक है। शुगर बॉयल ऑफ द वर्ल्ड, जापान क्विटो रोम या क्यूबा, तो शुगर यानी कि देखिए शुगर बॉयल का हिंदी क्या होगा, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, देश का पूछेगा तो क्यूबा, और यदि राज्य पूछेगा तो गाइस उत्तर प्रदेश है, ठीक है याद रखिएगा। इंडिया में चीन का सो किस नदी कहते हैं, यांगसी नदी सिंह नदी या पील नदी, इनमें से कोई नहीं, तो चीन का शोक इसमें नहीं दिया, ठीक है, एंड रॉन्ग यहाँ पे आंसर भी दिया पील नदी, तो चीन का शोक बोलते हैं लोग हांगकांग नदी को, ठीक है याद रखिएगा। श्वेत सर किसे कहते हैं, बेलग्रेड बहरीन या युगोस्लाविया, तो श्वेत सर हम लोग कहते हैं बेलग्रेड को, ठीक है इसको याद रखने का ज़रूरत है। नेक्स्ट है लिली का देश किसे कहते हैं, तो लिली का देश कनाडा सिंगापुर या बांग्लादेश इटली, तो लिली का देश कनाडा को, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी गाइस कहाँ है, ढाका, और पैसा वहाँ क्या है, टक्का। इटली की राजधानी रोम, और रोम का पैसा क्या है, लीरा। कनाडा का आपको राजधानी कहाँ है, ओटावा याद रखिएगा, सिंगापुर का सिंगापुर। ग्रेनाइट सिटी किसका उपनाम है, ऑक्सफोर्ड का एवरडीन का कोची का वेनिस का, तो ग्रेनाइट सिटी एवरडीन का। पॉल ऑफ द ओरिएंटल किसे कहते हैं, सिंगापुर को, रिपीट क्वेश्चन। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, लंदन लॉवर्स इटली स्विट्जरलैंड, तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ब्यूनस आयर्स। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, श्रीलंका या बहरीन, तो बहरीन को, सेम क्वेश्चन। हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया फिनलैंड नार्वे या कोरिया, तो हर्मिट किंगडम कहते हैं कोरिया को। नार्वे की राजधानी गाइज ओस्लो होता है, ठीक है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं, श्रीलंका म्यांमार ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर, तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोलते हैं, ठीक है। नील नदी के दिन किसे कहता था, ल्हासा बहरीन या मिस्र, तो नील नदी के दिन मिस्र को। गार्डन प्रोविंस ऑफ द साउथ अफ्रीका किसे कहेंगे, किन्या त्रिटुकुना जाम्बिया नेटपॉप दक्षिण अफ्रीका, तो नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका। अरब सऊदी की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो
न्यूयॉर्क अमेरिका, कोची भारत या वेनिस सिटी या जिब्राल्टर। तो अरब सागर की रानी कोची को बोलते हैं, जो कि भारत में अपूर्व का वेनिस भी कोची को। कौन सा उपनाम रोम इटली का नहीं है? पश्चिम का बेबीलोन, प्राचीन विश्व की सामग्री, इनमें से दोनों या कोई नहीं। तो उपनाम आपको दोनों है, ठीक है। प्राचीन विश्व की सामग्री भी हम लोग रोम को ही कहते हैं और पश्चिम का बेबीलोन भी, ठीक है। इसमें पता नहीं ना, तो ये गलती दिया, ठीक है। इनमें से दोनों जो दिया है ना, है नहीं, नहीं है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? जस्ट पढ़े थे, स्विट्जरलैंड। गगनचुंगी भी इमारतों का सर किसे कहते हैं? लंदन, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क या शिकागो। तो न्यूयॉर्क कहते हैं गगनचुंगी इमारतों का सर। नेक्स्ट, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? केंट, बर्गिमन, लंदन या लिवरपूल। तो ले केंट बोलते हैं। पोंचाकी की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क या इंग्लैंड। तो नीदरलैंड। कौन सा ऑस्ट्रेलिया का उपनाम नहीं है? लैंड ऑफ गोल्डन वुल, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स, इनमें से कोई नहीं, या लैंड ऑफ कंगारू। तो ऑस्ट्रेलिया का उपनाम लैंड ऑफ कंगारू बोलते हैं, सही है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिक्स भी, लैंड ऑफ गोल्डन वुल भी, ठीक है। लैंड ऑफ सेटिंग सन किसे कहते हैं? ब्रिटेन या नॉर्वे या जापान। तो ब्रिटेन के लैंड ऑफ सेटिंग सन, या देखिए यानी कि उगते हुए सूर्य कहते हैं जापान और अस्त होते हुए को ब्रिटेन बोलते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम, ट्रिस्टान डी कुना या किंग इंग्लैंड। तो बेल्जियम को। भारत का मसालों का विक्रेता? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो केरल। आंसुओं का प्रवेशद्वार किसे कहते हैं? श्रीलंका, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, मुंबई भारत, बाब उल मंदब। तो बाब उल मंदब कहते हैं। सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं? सिंगापुर, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो सुकुमार फूलों का देश आपको जापान बोलते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ एडियाटिक किसका उपनाम है? गिनी, तट अफ्रीका, कोची भारत, मुंबई भारत या वेनिस इटली। तो वेनिस इटली। क्वीन ऑफ एडियाटिक याद रखिएगा। हैरिन पोंड के नाम से जाता है? थाईलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड या यूनानी महासागर। तो अटलांटिक महासागर। संसार की छत किसे कहते हैं? पामिर का पठार, तिब्बत का पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो संसार की छत बोलते हैं पामिर के पठार को। तो गाइज आपको एक क्विज कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। और देखिए इसमें भी इन लोग क्विज दिए, आप लोग भी चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड हो जाएं। एंड गाइज अब मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ठीक है। तो फास्ट करते हैं। कुली पुस्तक लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। आईने अकबरी के पुस्तक लेखक अबुल फजल। अर्थशास्त्र के पुस्तक लेखक चाणक्य। एनिम फिलोसफी पुस्तक लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बीजक पुस्तक लेखक कबीर दास। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। गार्डनर पुस्तक लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। सुरसागर पुस्तक लेखक सूरदास। मेघदूत का कालिदास। कंदावे पुस्तक लेखक वान भट्ट। भारत जीतता आज़ादी के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। इंडिया ऑफ नेहरू पुस्तक लेखक कुलदीप नैयर। भगवद गीता पुस्तक लेखक वेद व्यास। सेतु बंध के परवरबेन। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कालिदास। अमर घोष पुस्तक के लेखक अमर सिंह। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी। बीजक किसका कृति है? कबीरदास। साहित्य लहरी पुस्तक लेखक सूरदास। मृक्ष कटिकम पुस्तक लेखक शूद्रक। चरक संहिता के संबंधित चिकित्सा। हंगे स्टोन्स पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। माई डेज पुस्तक के लेखक चरितन भागवत। अमर घोष पुस्तक के लेखक अमर सिंह। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनी। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी। प्रेम वाटिका पुस्तक लेखक रस खान। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। गाइड पुस्तक लेखक आर के नारायण। कामसूत्र पुस्तक लेखक वात्स्यायन। गीतांजलि पुस्तक लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। कामयानी पुस्तक लेखक जयशंकर प्रसाद। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लेखक प्लिनी। एसेज ऑन गीता पुस्तक लेखक अरविंद घोष। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण। पदावत पुस्तक के लेखक मालिक जो मैसी। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा। सुरसागर पुस्तक के लेखक सूरदास। गोदान पुस्तक के लेखक प्रेमचंद। गोल्डन थ्रेशहोल्ड पुस्तक के लेखक सुधनी नाडू। मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास। बुचर पुस्तक के लेखक अशोक घोष। ओडिसी पुस्तक के किसी कृति है? तो होमर के। हर्षरित किसकी है? वान भट्ट के। साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक सूरदास। जजमेंट द जजमेंट पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर याद रखिएगा। आंसू पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है गवन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद। एंड गाइस ये भी आपको मैंने 50 कंप्लीट फास्ट हो गया। तो गाइस इसी प्रकार के मैं आप लोग के लिए हमेशा ही लेकर आऊँगा, तो अगली बार भी लेकर आऊँगा।
एंड गाइज मुझे आप लोग कमेंट में बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, एंड इसी प्रकार के डेली वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक, एंड बगल से साउंड आ रहा तो इसलिए सॉरी फॉर दैट, एंड हमारी मेहनत को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, एंड थैंक यू गाइज़।